ये खबर आपको दिखाते हैं रुड़की से, जहां एक स्कूल में राष्ट्रगान न गाने का मामला सामने आया है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल को राष्ट्रगान की पहली लाइन तक नहीं आती। अब इसे देश के सम्मान के साथ मजाक ना कहा जाए तो और क्या क्या कहा जाए। सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुड़की का एक जाना माना इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस स्कूल में हजार से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इन्होंने अपने स्कूल में आज तक राष्ट्रगान यानी जनगण मन नहीं गाया है। दोष यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का नहीं है। जब स्कूल के प्रिंसिपल को ही टैगोर की लिखी पंक्तियाँ याद नहीं तो फिर छात्रों की क्या गलती। राष्ट्रगान से बेरुखी की खबर जब सेंट जॉन्स स्कूल की चारदीवारी के बाहर निकली तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रिंसिपल ओसी सैमुअल के ऑफिस में आ धमके। फिर प्रिंसिपल दफ्तर में शुरू हुआ जन गण मन पर हिसाब किताब। सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। जिस भारत देश में प्रिंसिपल ओपी सैमुअल रहते हैं, जिस भारत की उन्हें नागरिकता हासिल है, वहीं के राष्ट्रगान की पहली लाइन भी उन्हें ठीक से याद नहीं। 25 साल से इस रुड़की शहर में है, लगभग 1000 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल को राष्ट्रगान होता क्या है यही नहीं पता। राष्ट्रगीत किसे बोलते हैं यही नहीं पता। बच्चों को ये क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे। स्कूल के छात्रों ने खुलासा किया कि उन्होंने भी आज तक सेंट जॉन्स में राष्ट्रगान नहीं गाया है। नहीं, आज तक इस स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हुआ। हमें मुझे 5 साल हो गए पढ़ते हुए, आज तक कभी ना राष्ट्रगान नहीं हुआ। आपने बोला भी नहीं, नहीं, नहीं मेरे अकेले बोलने से थोड़ा ही कुछ होगा, और को भी तो बोलना चाहिए ना। कुछ दिन पहले ही आज तक ने इलाहाबाद के एक ऐसे स्कूल की खबर दिखाई थी जिसमें राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा था और अब रुड़की के सेंट जॉन्स स्कूल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ऊपरी तौर पर गलती भले ही मामूली लगे, लेकिन किसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल को राष्ट्रगान की पहली लाइन ही सही तरीके से याद नहीं हो, ये सरासर राष्ट्रगान के सम्मान से खिलवाड़ है। आज तक ब्यूरो।